प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा स्टेयरिंग है देश का, जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ही जाए। और इस देश का एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इस देश के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को चेंज कर देंगे तो देश बदल जाएगा। कैबिनेट मंत्री आए, आओ भाई, बैठा उठा के गोलकाई से चेयर बनाया जाएगा और मैं एगो माइक दे देगा यहाँ पे खूब बढ़िया से। अब पत्रकार को बुलाया जाएगा, चल चल फोटो खींच ले, झूठो बतियाओ जी, झूठो बतियाते रहो बतियाते रहो, अखबार में छपेगा। हो गया, जाइए अब, जाइए यहाँ से, जाइए पत्रकार लोग, जाइए अब यहाँ से। हो गया तो पत्रकार छापेगा सब, देखिएगा तनी मनी कोनवा में से फोटोगा ले ले रहता है, ऐसे ऐसे झूठो बतियाता है। हाँ हाँ, और बतियाओ बतिया, फोटो अच्छा आएगा। हाँ, फाइल उठा लो, फाइल उठा लो, तो कोनो फाइल उठा के झाकेगा, फोटो खींचा गया। हो गया, अब जो सचिव आएगा कहेगा चल बाहर निकल, बाहर निकल, दरवाजा बंद, काम खत्म, अंदर कोई नहीं रहेगा, अब अंदर डिसीजन होगा यहाँ पे। अब बाहर जब निकला जाएगा तो एक और फाइल लेके उधर न्यूज चैनल वाला पहले म्यूजिक बनाएगा, झन 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 झन, डिंग 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 डिंग, आज मंत्रिमंडल की बैठक में डिसीजन लिया गया, कल कल से नोट बंद, हो गया काम खत्म, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भारतीय मीडिया म्यूजिक के दम पे चलती है, भारत का न्यूज बैकग्राउंड म्यूजिक पे चलता है, डिंग डिंग, एक के न्यूजवा को 40 बार चलाएगा। आज की ताजा खबर, घर गिरने से ईंटा टूटा, मंत्री का विभाग बदलने की सिफारिश कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इन सभी मंत्रियों के फैसले को चेंज कर सकता है कैबिनेट, और कैबिनेट के फैसले को चेंज कर सकता है प्रधानमंत्री। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा स्टीयरिंग है देश का, जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ही जाएगा। और इस देश का एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इस देश के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को चेंज कर देंगे तो देश बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। करप्शन दूर करने के लिए शुरुआत आपको अपने मोहल्ले के वार्ड सदस्य से करना होगा, आपको ईमानदार वार्ड सदस्य, मुखिया, चेयरमैन, विधायक भेजना होगा। आप वहां नहीं देखते, सीधे देखते हैं क्या चीज? प्रधानमंत्री। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी सिस्टम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, हम वहां देखते ही नहीं है, जबकि वहां तक देखना चाहिए हम लोगों पर, ईमानदारी चीजों को देखना चाहिए। आगे बढ़े, नेता सब बेईमानी करते हैं, तुम अपना वोट डाल, जाति के आधार पर वोट डालने वाले, 500 रुपया शराब और मुर्गा भात पे वोट डालने वाले नेताओं पे सवाल उठाने लगे, वाह। उस समय तो बड़ी मजा आता है, नेताजी आए हैं पर 500 रुपया मांग ले, क्या दिए थे उससे कि मांगने गए? हाँ, जिस दिन नेता घुस जाए ना, 10-10 रुपया देना चालू करो, हाँ चले चाय पानी पी लीजिएगा, जाइए अभी जगह नहीं है यहाँ, जाइए। उस दिन देखिए समझ में आ जाएगा, जो मुद्दे चुनाव में रहेंगे वही मुद्दे किए जाते हैं, जो चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप जो काम कराना चाहते हैं बस कैसे भी करके मुद्दा उसे बना दीजिए। महिला शिक्षा के लिए महिला यूनिवर्सिटी, महिला शिक्षा मत बोलिएगा, क्योंकि शिक्षा एक रैंडम चीज है, बोल के निकल जाओ, शिक्षा तो हो ही रहा है, उसका गणना नहीं ना कर सकते हैं शिक्षा का, यूनिवर्सिटी की तो गणना हो सकती है। महिला विश्वविद्यालय कहेंगे बंद तो रहा है, कहे गो, अरे यार ये तो पोल खोल दिया यहाँ, ऐसे कहेंगे शिक्षा महिला दे तो रहे हैं, महिला शिक्षा दे तो रहे हैं, महिला नापने का कोई तरीका नहीं। इसलिए जब भी किसी से बात कीजिए डेटाबेस पे, हमको कम से कम 5 महिला यूनिवर्सिटी चाहिए। 5 महिला यूनिवर्सिटी अगर आज खोल देते हैं तो आज उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन 20 साल बाद उस यूनिवर्सिटी से हमेशा 10-15 IAS अधिकारी निकलते रहेंगे। शिक्षा वह वृक्ष है जो 20 साल बाद फल देता है, लेकिन लोगों में अंदर सबर कहां 20 साल, समझ आ गया कि नहीं आ गया?